हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस नंदिनी ने आकाश को जमानत दिलाई कैसे। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके गुनेगार को फांसी की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। शर्मा जी फोन पे किससे बात कर रही थी? हमें पता लगाना ही होगा आखिर ये पल पल की खबर किसे देती है। इस बार अम्मा जी हमें चकमा नहीं दे पाएगी, क्योंकि इस बार हमारा भेस अम्मा जी को चकमा देगा। हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर अम्मा जी किससे मिलना चाहती हैं। हम अकेले जाएंगे, अंग्रेजी हीरो को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार हैं। एक बार फिर से सोच ले। नहीं, जितना सोचेंगे उतना डर लगेगा, और ये वक्त डर का नहीं दिलेरी दिखाने का समय है। वैसे भी विकास ने हमें ये यंत्र दिया ना, इसे ऐसे बजा देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम खतरे में, और आप लोग ऊपर आ जाइए। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। बांध इसका, ला, ए, इसका मुंह बांध। इरत चुपचाप, चल पीछे। इतना ये तो नंदनी है। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहां तक चली आई? हाँ देख, आज तो मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मुन्नी, नंदनी को गए हुए काफी समय हो। नहीं नहीं, अब हमारे पास बता रहा, हम कह रहे हमारे पास बता रहा। मतलब नंदनी खतरे में है। चलो विकास, चलो। अबे मुझे नहीं, उसको पकड़, पकड़ उसको। आज छोड़ो, छोड़ो अबे। तूने मुझे मारा, छोड़ो अबे, वरना ऐसा नहीं होगा।
तेरी इतनी हिम्मत, एक औरत होकर मुझ पर हाथ उठाया? पिछली बार तो तू बच गई थी, इस बार बचेगी नहीं तू। औरत समझ के हमें कमजोर समझने की जरूरत मत करना तू। औरत कमजोर नहीं होती है, पुरजोर होती है वो। यकीन नहीं होता ना, ये दिखाते हम तुम्हें। इसे संभालिए भैया, कब तक अपना अधूरा काम पूरा करके आते? तुम निश्चिंत होकर जाओ नंदू, हम देखते हैं इसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ बोल। छोड़िया हमें, छोड़िया हमें, छोड़िए। अरे कैसे छोड़िए, छोड़िया हमें। छोड़ भी देंगे अगर हम, तब भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये तो टूट गया, सारे सबूत चकनाचूर हो गए। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम वही हैं जिसके खून का इल्जाम तुम्हारे पति पर लगा है। हम हैं विशंभर, तेरी अम्मा के पति। वो कंकाल नकली था जो हम लेकर आए थे तेरे पति को फंसाने के लिए, ताकि तेरे पति को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्या दुश्मनी हमारे अगले हीरो से? दुश्मनी? हमारी दुश्मनी तेरे अंग्रेजी हीरो से नहीं है, दुश्मनी तो हमारी तेरी दादी से है, सुमित्रा से। हाँ, वैसे भी सुमित्रा से हमारी दुश्मनी हमेशा की नहीं थी। एक वक्त था जब हम उन्हें प्यार करते थे, बहुत प्यार। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि हमने तो सुमित्रा देवी के आगे प्यार का इकरार किया था, लेकिन उसने हमारे प्यार को ठुकरा दिया, हमारे सामने अपनी आवाज बुलंद की, जिसकी वजह से हमने ये साजिश रची। गोली आकाश ने नहीं चलाई थी और ना ही हमें कोई गोली लगी भी थी, ये सब तो हमारी चाल थी। गोली तो वहां मौजूद हमारे आदमियों ने चलाई थी, और वो भी नकली गोली। और जब नकली गोली हमारे इशारे पर हमें लगी और हम मरकर गिरे, तो सुमित्रा देवी ने समझा कि गोली आकाश ने चलाई है। वो घबरा गई और भाग गई। अम्मा जी, हमें लगता था कि आप उसूलों की पक्की औरत हैं,
आपके दिल में अपने पति से बिछड़ने का दर्द है, इसलिए बदले की आग में आप ये सब कर रही है। लेकिन आप तो आपके पति से भी ज्यादा गिरी हुई निकली। आप जानती है गलत है, फिर भी आप इनका साथ दे रही है। ओए, ज्यादा न्याय की देवी मत बन। फाल्गुनी हमारी पत्नी है और वो वही करेगी जो हम कहेंगे। तो ठीक है, हम भी वही करेंगे जो हम चाहते। आप दोनों की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। हम हमारी सच्चाई पूरी दुनिया को बताएगी। हाँ, हम बताएंगे दुनिया को कि आप दोनों झूठे हो। बोल, कैसे यकीन दिलाएगी दुनिया को कि हम जिंदा हैं? कैमरा भले ही टूट गया, लेकिन ये पेन ड्राइव ये अब भी हमारे पास है। और कल अदालत में हमारे अंग्रेजी हीरो को बेकसूर साबित करने के लिए ये काफी है। अरे भागी किधर है? छोड़िया में, छोड़िया में। अरे देख क्या रही है, पकड़ो उसे, जाओ। भाग कर कहां जाएगी? सच्चाई दुनिया को बताने चली थी। आओ मेरे साथ। छोटी दादी, दही हांडी की तैयारी तो हमने कर ली है और ना फूलों की माला भी आने ही वाली है। आकाश, आकाश, क्या हुआ? दादी, मुझे लगता है नंदिनी किसी मुसीबत में। मुसीबत? हेलो, कहाँ है विकास? क्या तुम तीनों अकेले क्यों गए वहां? अरे मुझे तो बताना चाहिए था ना। चल काम करो, तुम और मुरली नंदिनी के पास जाओ, मैं आता हूँ वहां पे। आकाश, हमें बताओ क्या हुआ? दादी, मुझे लगता है नंदिनी किसी मुसीबत में, मैं उसको लेके आता हूँ। आकाश, आकाश, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? नंदू, 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 पूछ लो। नंदू, नंदू, सबूत, 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 सबूत का है, सबूत का है। सबूत? वो पेन ड्राइव में अंग्रेजी हीरो को बचाने का सबूत है। विकास, सबूत ढूंढो। सबूत, वो कैमरा, सबूत, सबूत, देखे वो लोग, सबूत ले गए वो लोग, छीन लिया हमारे हाथ से सोनों ने सबूत। हार इस बात का सबूत है कि जीत जल्दी ही मिलने वाली है। और मेरी नंदिनी इतनी कमजोर नहीं है कि एक हार से वो हिम्मत हार जाए।
किसी का खून नहीं किया। अम्मा जी के पति के जो खून का इल्जाम आपके ऊपर लगा है, असल में वो इंसान जिंदा है। पर्ची जिंदा है अंग्रेजी हीरो। हमने रिकॉर्ड किया था उन्हें कैमरे में। दोनों पति पत्नी ने हमारे हाथों से सबूत छीन लिया। और कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। खुद को संभालो नंदनी। संभालो खुद को। मेरी तरफ देखो, तुम सीता मैया की सबसे खास बच्ची हो ना, तुम्हें उन पे बहुत विश्वास है ना, बस तो फिर सच सामने लाने की जिम्मेदारी सीता मैया पे छोड़ दो। सबूत हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, सीता मैया हमें फिर से मौका देंगी और हम इस बार नहीं चूकेंगे। अम्मा जी के खिलाफ इस जंग में जीत सिर्फ मेरी नंदनी की होगी, सिर्फ मेरी नंदनी की। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। अम्मा जी का पीछा करते हुए आए थे और फिर हमने देखा। हम हैं विशंभर, तेरी अम्मा के पति। भगवान, हमारे घर में कितनी ही तकलीफें क्यों ना आई हो, हमेशा हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया है, इसी उम्मीद में कि हमारा कन्हैया अपनी बांसुरी से हमारे सारे दुख हर लेगा। आज आपको इसी उम्मीद की लाज रखनी होगी, आपको हमारे घर की सारी तकलीफें दूर करनी होगी, हमारे घर में सब कुछ ठीक कर देना होगा। हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई को जीत मिले। तुम्हारी सच्चाई और हमारी सच्चाई में फर्क है। तुम्हारे सच के मुताबिक आकाश दोषी है और हमारे सच के मुताबिक तुम्हारा पति विशंबर दोषी है। फिकर मत करो, भगवान उसी दोषी को सजा देगा जो सजा के हकदार है। धुंधली तस्वीर अक्सर धुंधली नहीं होती है, बहुत बार आईने पे लगी हुई धूल उस तस्वीर को धुंधली बना देती है। फाल्गुनी, हम उतने बुरे इंसान नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। उस वारदात के बाद हम आकाश को घर छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए वापस आए थे, लेकिन वहां पे ना तुम थी और ना तुम्हारे पति की लाश। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे तुम्हें मदद करने की, ये मत समझना कि हम भाग गए। हमने वही किया जो हमें करने के लिए बोला गया था। क्या, किसने करवाया ये सब तुमसे? हर बात का मतलब तुम्हें नहीं समझा सकते। हम बस यही चाहते हैं कि ये जन्माष्टमी आकाश और नंदिनी एक साथ धूमधाम से मनाए, क्योंकि परसों कोर्ट में क्या होगा कोई नहीं जानता। जय श्री कृष्ण।
हमें पूरा यकीन है कि फैसला हमारे आकाश के तरफ ही होगा। इसका मतलब उन्होंने मुझे फंसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मुझे लगता है ये बात पुलिस को बतानी चाहिए ना। नहीं अंग्रेजी हीरो, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अगर हमने पुलिस को बताया अभी तो विशंबर जी फिर से गायब हो जाएंगे, फिर दुनिया के सामने नहीं आएंगे। अरे लेकिन शायद नंदिनी सही कह रही है आकाश। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, कल जन्माष्टमी और बाकी बिहारी अपने इस खास दिन पे हमें नाराज नहीं करेंगे। वो जरूर कोई ना कोई सबूत दिखाएंगे। आप सब हमारे साथ बोलिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।